हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आज का एक और फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूँ। ये इन्फॉर्मेशन सभी जीएनएम नर्सेज के लिए गुड न्यूज साबित होने वाले हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग री स्टार्ट कर दी है। जैसा कि फ्रेंड्स अपने को पता है, पिछले साल इग्नू ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम बंद कर दिया था, लेकिन इस बार जनवरी 2000 सेशन के लिए इग्नू ने फिर से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है वो स्टार्ट करती है। तो जो जीएनएम नर्सेज इग्नू से डिस्टेंस लर्निंग से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, एंड तक इस वीडियो साथ जरूर बने रहे। पूरी डिटेल इस कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। साथ साथ वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने चैनल नर्सिंग ट्रेंड को सब्सक्राइब करें और पास में आ रहा बेल आइकन भी दबाएं, ताकि नर्सिंग ट्रेंड के किसी भी वीडियो का फ्यूचर में कभी भी मिस नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स, इग्नू से डिस्टेंस लर्निंग से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको एक इंट्रेंस टेस्ट देना होगा, और उस इंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई करना है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर 2019 रहेगी, और इंट्रेंस टेस्ट की जो डेट यहां पे होने वाली है टेंटेटिवली वो रहने वाली है 9 नवंबर 2019। यानी 9 नवंबर 2019 को आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए इंट्रेंस टेस्ट यहां पे होने वाला है। अदर टर्म्स एंड कंडीशन देखें तो इस कोर्स की जो फीस है वो 18,000 पर ईयर होने वाली है, और कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 3 साल की होने वाली है। इग्नू जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिस्टेंस लर्निंग से करवाता है उसकी ड्यूरेशन यहाँ पे 3 साल की होने वाली है। तो टोटल इस कोर्स की फीस है वो आपके 54,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगी। मोड ऑफ लर्निंग डिस्टेंस होने वाला है वो पहले ही बता चुका हूँ। अदर चीज़ें देखे हैं तो सिलेक्शन है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन से होने वाला है, इंट्रेंस टेस्ट से होने वाला है। रीजन वाइज आपकी मेरिट बनने वाली है, यानी आप इग्नू के जिस रीजन से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जिस रीजन से आपने फॉर्म भरा है, उसी रीजन की मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। टोटल सीट 650 होने वाली है, ऑल इंडिया में टोटल 650 सीट यहाँ पे होने वाली है। इंट्रेंस टेस्ट के लिए जो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उसकी फीस यहाँ पे 1,000 रुपये अलग से होने वाली है, और मीडियम ऑफ कोर्स है वो इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम में ही आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है इग्नू डिस्टेंस लर्निंग से करवाता है। एज की बात करते हैं तो कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इंट्रेंस टेस्ट की। तो आपका जो इंट्रेंस टेस्ट है उसको आपको 2.5 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। 2.5 घंटे का टाइम है वो इंट्रेंस टेस्ट में आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने के दिया जाएगा। ओमआर बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होने वाला है, और टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, साफ साफ लिखा गया है कि जो सब्जेक्ट्स जीएनएम में पढ़ाए गए हैं उन्हीं में से आपके 120 क्वेश्चंस यहां पे आने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होने वाला है। आईएनसी इसका पेपर है वो बनाती है, और ये जो इग्नू का कोर्स है ये आईएनसी से अप्रूव्ड भी यहाँ पे होता है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे दी गई है। तो इग्नू ने लिखा है कि जिन लोगों ने 10+2 12वीं के बाद में जीएनएम की है, और साथ में जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, और वर्तमान में भी वो हॉस्पिटल में वर्किंग है यानी इन सर्विस नर्सेज है, वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पहले 10वीं के आधार पे जीएनएम होती थी, तो जिन लोगों ने 10वीं के बाद में जीएनएम की है उनको 5 साल का हॉस्पिटल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, और प्रेजेंट में भी वो हॉस्पिटल में वर्किंग होनी चाहिए, यानी इन सर्विस नर्सेज के लिए ही ये कोर्स यहाँ पे होने वाला है। नीचे इन्होंने साफ साफ लिखा भी है, नोट भी लगाया है, कैंडिडेट विद लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर RNRM शुड नोट बी अप्लाई। यानी आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अगर आपका 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आपको अप्लाई नहीं करना है, और साथ ही साथ आप वर्तमान में भी वर्किंग यहाँ पे होने चाहिए किसी हॉस्पिटल में, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ये भी प्रोसेस आपको जल्द बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इग्नू की ऑफिशियल साइट www.ignu.ac.in है, इसको लॉगिन कर लेना है। इस साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे क्लिक करके भी आप इस साइट को ओपन कर सकते हैं। साइट ओपन हो जाने के बाद में इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपके सामने ये टैब दिखाई देने वाला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉरम फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम 2020
20, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहीं से आपको ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप करना है। ये नया पेज ओपन हो चुका है और आपके सामने आ गया है वेलकम टू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम जनवरी 2020 एडमिशन, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पे सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही आपका फॉर्म है वो फिलअप किया जाएगा। इसका जो प्रोस्पेक्ट्स है वो यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट हैंडबुक या जिसको प्रोस्पेक्ट कहते हैं उसको आप जरूर डाउनलोड करें, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ें। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन है वो करना है, जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड अपनी चॉइस के लगा देने हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल पे और ईमेल पे आपके एसएमएस आ जाएगा, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके पास में स्कैन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि 100 KB से कम का होना चाहिए, और स्कैन सिग्नेचर भी होने चाहिए जो कि 100 KB से कम होने चाहिए। इसके अलावा आपको फीस पे करने का जो मेथड है वो होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड अगर है तो वो मास्टर और वीजा का चलेगा, डेबिट कार्ड है वो भी मास्टर वीजा रुपए का चलेगा, या फिर नेट बैंकिंग से आप फीस पे कर सकते हैं, और कोई मेथड आपका यहाँ पे फीस पे करने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करते स्कैन डॉक्यूमेंट्स भी करने हैं, जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके अपलोड करने हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है। फॉर्म को फुल्ली फिलअप कर देना है, सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, उसके बाद ही आपको फाइनल सबमिशन करना है। और जो आपको फाइनल सबमिशन कर देना है उसके बाद में आपको फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो ले लेनी है। हार्ड कॉपी को सेंड नहीं करना है, लेकिन जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के लिए काउंसलिंग होगी, उस टाइम आपको ये हार्ड कॉपी और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके अपलोड किया है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है वो काउंसलिंग में लेके जानी है। उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लोगे, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पे जाना है और यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, फीस पे करनी है, सिग्नेचर फोटो है वो अपलोड करने हैं, उसके बाद में आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इस फॉर्म के बारे में कुछ भी डिटेल्स में आपको कुछ समझना है या कुछ भी आपके क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। जल्दी हाजिर होता हूँ एक नया वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।